एक बार इसे टेस्ट करा दो, पूरी डिश फिनिश कर जाएंगे। भूख ना लगने पर भी दो रोटी खाने वाले पूरी पांच रोटी खाएंगे। शाही पनीर, कढ़ाई पनीर सब खाना भूल जाएंगे और बस इसी के गुण गाएंगे। जी हाँ, सुपर डिलीशियस, ज़बरदस्त, एक ऐसी ही पनीर अफगानी भुना बनाने की बहुत ही मज़ेदार और शानदार रेसिपी लेकर आए हैं। ये पनीर अफगानी भुना की रेसिपी इतनी ज़बरदस्त जायकेदार होती है कि इसके सामने सभी पनीर की डिशेस फेल हैं। और इसे खाने के बाद आप शाही पनीर, कढ़ाई पनीर सब खाना भूल जाएंगे। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आपके अपने चैनल अफी की रसोई में आप सबका वेलकम है। आज की वीडियो में हम आप सबके लिए रेस्टोरेंट स्टाइल सुपर डिलीशियस पनीर अफगानी बनाने की ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आए हैं। पनीर के हमने छोटे छोटे क्यूब कट करके इसका वेट कर लिया है। पनीर का वेट 500 ग्राम है और 197 ग्राम प्लेट का वजन है। सबसे पहले एक कढ़ाई लेंगे और उसमें डालेंगे दो बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल और गैस की फ्लेम को मीडियम लो कर देंगे और उसमें डालेंगे एक बड़े साइज की रफली चॉप की हुई प्याज और यहाँ हमने कम तीखी वाली 6 से 7 हरी मिर्चे के छोटे छोटे टुकड़े काट लिए हैं, इसे भी प्याज के साथ में डाल देंगे। और हमने इसके टेस्ट बढ़ाने के लिए एक शिमला मिर्च भी ली है, उसके भी पीस कट करके हमने इसमें डाल दिए हैं और साथ में हम 25 से 30 काजू भी डाल रहे हैं। अब इन सब्जियों को और काजू को चम्मच से चलाते हुए अच्छी तरह से इसे सॉफ्ट होने और सॉफ्ट होने तक भून लेंगे। फिर इसमें एक मुट्ठी धनिया कटा हुआ डाल देंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करके भून लेंगे। प्याज सॉफ्ट हो चुकी है और सोटे हो चुकी है। अब इसे एक बड़ी प्लेट में निकाल लेंगे और इसे ठंडा करके एक मिक्सिंग ग्राइंडर जार में डालेंगे। एक फाइन और थिक पेस्ट इसका ग्राइंड करके तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि हमने एक थिक और फाइन क्रीमी पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। अब चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। इसके लिए एक बड़ा बाउल लेंगे और उसमें डालेंगे एक चम्मच मस्टर्ड ऑयल और उसमें डालेंगे आधा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, आधा चम्मच डालेंगे कसूरी मेथी रोस्ट की हुई, आधा चम्मच डालेंगे चाट मसाला, आधा चम्मच डालेंगे इसमें काला नमक और एक चम्मच डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और इन सभी मसालों को तेल में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर मिक्स किए हुए मसालों में डाल देंगे कटे हुए पनीर के पीसेस और इन सभी पीसेस को मसालों में मिक्स कर लेंगे, यानी मसाले से कोट कर लेंगे इन सभी पनीर के पीसेस को और 15 से 20 मिनट के लिए इसे ढक्कन से कवर करके मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। अफगानी पनीर भुना बनाने के लिए एक मसाला तैयार कर लेते हैं। आधी प्याली दही लेंगे और इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे। फिर इसको एक बाउल में डालेंगे और दही के साथ में डाल देंगे एक चम्मच पिसा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट। फिर इधर कुछ पाउडर मसाले लेंगे। यहाँ हमने 4 चम्मच धनिया पाउडर लिया है, आधा चम्मच पिसी हुई हल्दी पाउडर लिया है और 2 चम्मच हमने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो ले लें, ना हो तो स्किप कर दें। 1 चम्मच हमने गरम मसाला लिया है, 2 चम्मच हमने नमक लिया है और 2 चम्मच हमने लिए पिसी हुई लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच लिया है हमने भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा। अब इन सभी पाउडर मसालों को दही में डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और एक थिक और फाइन बैटर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, एकदम फाइन थिक और परफेक्ट क्रीमी बैटर बनकर तैयार हो गया है। अब एक कढ़ाई लेंगे और उस 2 बड़े चम्मच भर के मस्टर्ड ऑयल डालेंगे कढ़ाई में और गैस की फ्लेम को रखेंगे मीडियम लो और उसमें जो हमने मैरिनेशन के लिए पनीर के क्यूब रखे थे उसको डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इन्हें हल्का ब्राउन होने तक इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। हमें पनीर को क्रिस्पी और क्रंची होने तक फ्राई नहीं करना है, बस लाइट कलर आ जाए। जैसे ये हम एक क्यूब दिखा रहे हैं, इस पर लाइट ब्राउन कलर आ चुका है, ये जैसा हमें चाहिए था वैसा फ्राई हो चुका है। पनीर के सभी क्यूब को बहुत ही सावधानी से तेल से बाहर निकाल लेंगे और एक प्लेट में करके साइड पर रख देंगे। कढ़ाई में बचे हुए तेल में 1/4 मक्खन डालेंगे और इसे मेल्ट होने देंगे। फिर इसमें डालेंगे एक तेज़पात का पत्ता, एक दालचीनी की छड़ी, 4 लौंगे और 4 छोटी इलायची और इन मसालों को अच्छी तरह से तेल में रोस्ट होने देंगे ताकि मसालों का फ्लेवर तेल में अच्छी तरह से आ जाए। फिर इसमें जो हमने हरी मिर्च, प्याज, शिमला मिर्च और काजू का जो पेस्ट तैयार किया था उसको डाल देंगे। साथ में डालेंगे दही और मसालों से जो बैटर तैयार किया था और इन मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और चलाते हुए मीडियम लो फ्लेम पर इस मसाले को भुनने देंगे अच्छी तरह से। ये देखिए, मसाला भुनने लगा है और ये थोड़ा थिक भी होने लगा है और मसाला तेल भी छोड़ने लगा है, यानी तेल रिड्यूस होने लगा है। इस स्टेज पर हम पनीर के फ्राई किए हुए क्यूब डालेंगे और इसे 10 से 15 मिनट तक और मीडियम लो फ्लेम पर अच्छी तरह से भुनने देंगे। हम आपको पलटे से निकाल कर दिखाते हैं। ये देखिए,
ये लग रहा है ना कितना यम्मी। इसकी खुशबू इतनी लाजवाब है कि जो भी आ रहा है वो पूछ रहा है कि आखिर ये किचन में बन क्या रहा है। और इसका टेस्ट को बढ़ाने के लिए हम इसमें एक चम्मच डाल रहे हैं कसूरी मेथी और दो चम्मच डाल रहे हैं फ्रेश अमूल की क्रीम। और हल्के हाथों से चम्मच से चलाते हुए कसूरी मेथी और क्रीम को मसाले में मिक्स करेंगे। यकीन करें ये जितना देखने में डिलीशियस लग रहा है, खाने में तो इसके क्या ही कहने। आधा चम्मच ऊपर से किचन किंग मसाला डालेंगे और साथ में काजू डालेंगे और हरे धनिया की पत्ती डालेंगे कटी हुई, और गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। सुपर डिलीशियस ज़बरदस्त शानदार रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर अफगानी बनकर तैयार है। अब आप इसे एक सर्विंग डिश में निकालें। जब आप इसे एक बार बनाकर खाएंगे तो शाही पनीर और कढ़ाई पनीर सब खाना भूल जाएंगे। अब ऊपर से इस डिश में डालें काजू, काजू से डेकोरेट करें। हम आपको इसे निकाल कर दिखाते हैं कि ये कितना सुपर डिलीशियस ज़बरदस्त शानदार अफगानी पनीर बनकर तैयार हुआ है। मेरा दावा है कि जब आप एक बार इस शानदार पनीर अफगानी को बनाकर खाएंगे तो सालों तक इसका टेस्ट नहीं भूल पाएंगे। तो चलिए देर किस बात की, आगे की प्रिपरेशन कर लेते हैं। और इसमें डालते हैं एक चम्मच भर के अमूल की फ्रेश क्रीम और ग्रेट करके पनीर डालते हैं और कुछ कटे हुए धनिया की पत्ती डालते हैं और सर्व करते हैं गरम गरम बटर नान के साथ। आप इसे बटर नान, तंदूरी नान, कुलचे, गरम गरम पूरी या चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है इन सभी के साथ। अगर आप होममेड लोहे के तवे पर बटर नान बनाने की रेसिपी जानना चाहते हैं तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। एक बार इस मज़ेदार सुपर डिलीशियस रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर अफगानी बनाने की ज़बरदस्त रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें और अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।